सबसे ज्यादा गंदा अनॉइंग इशू मेरे को ये आया है कि यहाँ पे घटिया क्वालिटी का स्क्रू यूज करा गया है। बेस्ट मीना, बेस्ट मीना, बेस्ट मीना। ओके सो जब से मैंने गाड़ी ली है दो क्वेश्चन सबसे मेन आ रहे थे। पहली बात तो सेकंड हैंड गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने गाड़ी ट्रू वैल्यू से ली है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो ट्रू वैल्यू से गाड़ी लेना सबसे ज़्यादा बेटर है। देखो ट्रू वैल्यू हो गया, कार्स 24 हो गया, कार देखो हो गया, ये सारी जो कंपनी है ना आपको गाड़ी बेचते हुए ना एक तो वारंटी देती है। सेकेंड हैंड कार पे डीलर्स पे वारंटी मिलना वही है, भाईचारा है तो मिल जाएगी वरना नहीं मिलेगी। मेजर थिंग मेरे लिए मैटर करती थी वारंटी, क्योंकि सेकेंड हैंड कार है, यूज़ हुई है, क्या पता एक हफ्ते बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, पाँच महीने बाद भी दिक्कत आती है तो मैं सेफ हूँ कि हाँ जो है कंपनी जो है मुझे सब जो है प्रोवाइड करेगी, इंजन में गियर बॉक्स में कोई भी दिक्कत होती है तो। और ट्रू वैल्यू से ऐसे एक्सपीरियंस था, गाड़ी में बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, हेडलाइट, बैक लाइट, मतलब पूरी लिस्ट मैंने उनको थमा दी थी कि ये गाड़ी में ये चीज़ें ख़त्म है, ये मेरे को जो है नहीं लगी हुई होनी चाहिए अगर आप मेरे को गाड़ी से अलाउड करते हो तो। ट्रू वैल्यू वालों ने वो भी मेरे को जो है प्रोवाइड करवाई चीज़ें, लाइक हेडलाइट्स हो गई, तीन चार चीज़ें और हो गई गाड़ी में जो एक्सेसरीज है मेरे को मिली, लेकिन सारी गड़बड़ हुई यहाँ पे। ओके सो एज यू ऑल गाइस नो आई बॉट दिस सेकंड हैंड सिलेरियो फ्रॉम ट्रू वैल्यू। एंड गाड़ी लेते ही ना, गाड़ी लेते यानी कल मेरा नेक्स्ट डे था, गाड़ी लेते ही जैसे होता ना पहला दिन गाड़ी के साथ, उसी दिन में गाड़ी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। वही सेम बाइक वाला हाल हुआ मेरे साथ, ठीक है। पता नहीं मेरे दो सेकेंड हैंड चीज़ें लेके आते हैं वो बड़े खुश होते हैं और मैं लेके आता तो पता नहीं क्या क्या होता। तो मैं टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि ट्रू वैल्यू से गाड़ी आई है, ट्रू वैल्यू ही देखेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कल के कल में गाड़ी में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम इतनी गंदी थी ना दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी की टेस्ट ऑयल ली थी, ऑलमोस्ट ख़त्म थे, लेकिन कंपनी ने मेरे को टायर लगा के दिए 175, 175, 175, और अगर आप यहाँ पे देखो तो 185, और इसकी वजह से पूरी गाड़ी वॉवल मार रही है। ओके सो दूसरी चीज़ मेरे को गाड़ी में सबसे बड़ा इशू आया, ये फेंडर, कंपनी ने इस पर जो है यहाँ पे स्क्रू नहीं लगाया जिसकी वजह से पूरा फेंडर नीचे आ गया ये, ठीक है। आपको दिख रहा है कट कट आ भी गया, कल तो टायर पर भी लग रहा था ये, ठीक है। और इस पर जो है जो बम्पर है उसको स्क्रू लगा के यहाँ से टाइट करा गया था, वो भी फोटोज है मेरे पास। और ये देखो ये पूरा बम्पर है जो बाहर आ रहा है, ठीक है, ये कल लटक गया था ऐसे। तो मारुति में सबसे बड़ी दिक्कत है वो कभी मास्किंग करके काम नहीं करते, देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। एक और गाड़ी में सबसे बड़ा इशू ये आया है कि अगर मैं इसका सबसे पहले आपको बोनट खोल दूँ, सबसे ज़्यादा गंदा अनॉइंग इशू मेरे को ये आया है कि यहाँ पे घटिया क्वालिटी का स्क्रू यूज़ करा गया है, ठीक है, और ये स्क्रू टूट गया और यहाँ पे ये फेंडर जो है टूट गया जो कि इसके ऊपर का कवर होता है, ठीक है, ये जो है यहाँ से टूट गया, देखो पूरा कवर हिल रहा है, ठीक है। और ये कल ही कल में हुआ है, सुबह तक ठीक था और ये जो है इसका कवर टूट गया है, तो ये बहुत गंदी साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को सेकंड प्रॉब्लम आई है गाड़ी में सबसे मेजर कि भैया कवर ही टूट गया है। सोचा था वीकेंड में मम्मी को कहीं पे लेके जाऊंगा और अपने सारे काम निपटाऊंगा, बट सब फेल हो गया। अब आज गाड़ी गई है, कल भी काम होगा, परसों तक तो मेरे को गाड़ी मिलेगी, ये सारा सिनेरियो है। सो सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पे, आपको मतलब हर जगह पे आपको दुकान दिख जाएगी। जैसे मेरे राइट में एक सेकंड हैंड कार का शोरूम या डीलर बोल सकते हैं, मेरे लेफ्ट में जो गली है यहाँ पे इतने सारे हैं, उसके बाद कार देखो हो गया, कार्स 24 हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया, तो कमी नहीं है सेकंड हैंड कार्स की, ठीक है। तो लेकिन अपने लिए परफेक्ट कार ढूंढना बहुत मुश्किल था, मैं अभी से नहीं, मैं तीन महीने से अपने लिए परफेक्ट कार ढूंढ रहा था। पहले मेरा मन था पोलो लेने का, लेकिन पोलो वही बात है पावरफुल वगैरह वैसी है, लेकिन मेरे पास सब है, लाइक मेरी बाइक की मेंटेनेंस वगैरह सब आई है, तो मेरे को ऐसी कोई जो है वो चाहिए थी जो इकोनॉमिकल हो, जैसे
जो गाड़ी है वो इकोनॉमिकल हो, लाइक सुजुकी की या फिर आप मान के चलो कोई भी सीएनजी गाड़ी, ठीक है। तब मैंने और आर्यन ने डिसाइड करा कि हम गाड़ी ढूंढते हैं सीएनजी गाड़ी। तो सीएनजी गाड़ी में मेरे को बहुत ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि मार्केट में सीएनजी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जो मिल रही थी वो वैगनार थी। वैगनार मुझे लेनी नहीं थी, क्योंकि वैगनार मैंने यूज़ करी है, मेरे को बहुत उठी उठी गाड़ी लगती, वो मेरे टाइप की गाड़ी नहीं है। तो आर्यन ने हमेशा जिसे कहते हैं भाई तू सिलेरियो ले सीएनजी, भाई तू सिलेरियो ले सीएनजी। तो दोस्ती यारी के चक्कर में थैंक गॉड मेरे को सीएनजी सिलेरियो मिल गई, मैं बहुत खुश था, 2016 मॉडल। तो दो हफ्ते लगे गाड़ी बुक करने के बाद मेरे घर आने में, क्योंकि पहला हफ्ता मैं बहुत बिजी था, ठीक है। दूसरा हफ्ता क्या हुआ, जो मेरा जो है लोन उसका मैटर चल रहा था, ठीक है। लोन का जब मैटर चल रहा था तो मेरे को ट्रू वैल्यू से फ़ोन आया, भाई आपकी गाड़ी पे जो जो काम होना था वो हो गया है, आपकी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, आप गाड़ी कब उठा रहे हैं। मेरे अंदर टेंशन आ गई कि भाई मेरा लोन मतलब टाइम लेता लोन होने में, और भाई की गाड़ी तैयार खड़ी है मेरे को डिलीवर करने के लिए, तो मैं कॉन्शियस हो गया बहुत ज़्यादा। स्टिल मैंने जो है जितना टाइम बैंक लेता लिया बैंक ने, ठीक है, जैसे ही लोन हुआ उसके अगले दिन मैं जो गाड़ी लेने पहुंच गया। अब जब गाड़ी की डिलीवरी थी, गाड़ी की डिलीवरी लेने में 1 बजे पहुंचा, प्रोसीजर 2 घंटे में हो गया, और 3 बजे तक मैं बिल्कुल ही वेला हो गया। 4 बजे मेरे को जो है मम्मी को वापस घर भेजना पड़ा, ओनली बिकॉज कि जो गाड़ी है वो रेडी नहीं थी, वो आई नहीं थी शोरूम पे, और मेरा पारा बहुत हाई हो गया। तो मेरे को गाड़ी की डिलीवरी मिली है जाके 6 बजे। दिस इज़ अ बिग डील कि भाई साहब मैं 1 बजे पहुंच गया हूँ, मेरे को ये कॉल पे बोला जा रहा है कि गाड़ी बिल्कुल रेडी है, और मेरे को गाड़ी की डिलीवरी मिल रही कितने बजे, 6 बजे गाड़ी जो है मेरे को डिलीवरी के लाई। और रात को गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेते, ये भी बाइक के साथ भी मेरा यही सीन हुआ, गाड़ी के साथ भी यही सीन हुआ कि मैं जल्दी पहुंच गया हूं। मैं गाड़ी लेने 1 बजे, बाइक लेने 3 बजे पहुंच गया हूं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे जब सारे लेट हो रहे होते हैं तो डिलीवरी खाली मैं अकेला लेके आया। आई नो आपके मन में भी अब लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि गाड़ी ले तो ले कहाँ से अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है। देखो न्यू हैंड गाड़ी लेना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हैक्टिक थिंग है। पहली बात तो बुकिंग बहुत लंबी चल रही है, सेमीकंडक्टर चिप की कमी है तो उसके वजह से बहुत लंबी लाइन है, ठीक है। फिर भी अगर आपको गाड़ी मिल जाती है तो कम प्राइस में यार बेस मॉडल मिलता, तो मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने गलती करी है, मैंने स्विफ्ट ली थी ZXi, मेरे को लगा था ओहो इससे परफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ एक अलॉय और लाइटों के चक्कर में मैंने अपने जो है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देते। इससे बढ़िया मैं VXi ले लेता और उसमें अपना काम करवा लेता, बट कोई नहीं, नेवर दी लेस गाड़ी ठीक है, अच्छी चल रही है। लेकिन अगर सोचो किसी डीलर से लेता, वो तो कहता भैया मेरे यहाँ साइड से गाड़ी निकल चुकी है, अब आप देखो, मैं नहीं जानता कुछ, ये सीन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। ये था मेरा सेकेंड हैंड कार बाइंग एक्सपीरियंस, ये मेरे साथ हुआ। इम्पॉर्टेंट था आप लोगों को बताना, बिकॉज अच्छी चीज़ें दिखाना और बुरी चीज़ें दिखाना दोनों हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड क्वालिटी हेलमेट, ऑल वेदर सीट बेल्ट वाले ड्राइविंग, बाय गाइस, लव यू ऑल। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक का बटन दबा देना, और शेयर कर देना इस वीडियो को अगर कोई ट्रू वैल्यू से गाड़ी लेने की सोच रहा है। और हाँ, ये ट्रू वैल्यू ऐसे सारे ट्रू वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू जो है डीलर्स के पास, कार्स 24 है ना, पैन इंडिया एक ही है, वैसे इसमें अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे अलग अलग जो है डीलर्स के पास ट्रू वैल्यू है। ओके, गॉट इट, बाय।